नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। रीवा के इंजीनियरिंग कॉलेज में मतगणना लगभग अंतिम चरण में पहुंच गई है। अभी तक की बात की जाए सिमरिया विधानसभा, जहां पर कांग्रेस केवल एकमात्र सीट पर आगे है 1502 वोट, यहां पर अभय मिश्रा को वोट मिले हैं 41,298, वहीं केपी त्रिपाठी 39,796 वोट। यह एकमात्र सीट है जहां पर कांग्रेस 1502 वोट से आगे, बाकी सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। सिरमौर विधानसभा की बात की जाए तो यहां पर दिव्यराज सिंह 38,255 वोट, वहीं बीडी पांडे बीएसपी के 32,959 वोट। इस तरीके से दिवराज 5,296 वोट से आगे चल रहे हैं। गुड़ विधानसभा की बात की जाए तो अभी काफ़ी अंतर था भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवारों में, लेकिन अब ये अंतर घट के केवल 876 मतों का हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के नागेंद्र सिंह 48,934 वोट, वहीं कांग्रेस के कपिध्वज सिंह 48,058 वोट पाकर केवल 876 मतों से पीछे। बात की जाए रीवा विधानसभा की, यहां पर राजेंद्र शुक्ला 4 बार के मंत्री विधायक 76,939 वोट, कांग्रेस के राजेंद्र शर्मा 55,302 वोट। इस तरीके से यहां पर राजेंद्र शुक्ला 21,637 मतों से आगे चल रहे हैं। मतगणना का काम यहां पर खत्म हो गया, अभी अधिकृत रूप से घोषणा नहीं की गई है। बात की जाते हैं उत्तर विधानसभा की, तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी के सिद्धार्थ तिवारी 58,176 वोट पाकर कांग्रेस के रमाशंकर से 4,629 मतों से आगे चल रहे हैं। रमाशंकर को 53,547 वोट अभी तक मिले हैं। बात की जाए देवतालाब सीट की, तो यहां से भारतीय जनता पार्टी के गिरीश गौतम विधानसभा अध्यक्ष 61,252 वोट के साथ कांग्रेस के पद्मेश गौतम 37,374 मतों के मुकाबले 19,878 मतों की जीत अभी तक बना चुके हैं। मऊगंज विधानसभा की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप पटेल 70,119 मतों के साथ कांग्रेस के 62,945 मत पाने वाले सुखेंद्र सिंह बन्ना के मुकाबले 7,174 मतों से आगे बनाए हुए हैं। ताज़ातरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।